हेलो गाइस वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं एपीएन जी पी सीरीज का लेक्चर नंबर टू जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों में बोलना चाहता हूं कि आप लोग इससे पहले हमारा एपीएन जी पी सीरीज का लेक्चर नंबर वन जरूर देखिए नहीं तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में प्रॉब्लम होगा और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोगों ने कैट में कैसा सम्स आ सकता है एपी में से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं और इसके आगे भी बहुत सारे शाम से लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो ये वाले सीरीज में आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए पहले जाके लेक्चर वन देखिए फिर हमारा ये वाला लेक्चर देखिए ठीक है और जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी लेक्चर मिस ना करें ठीक है और अभी हम लोग इंस्टाग्राम में भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हम लोग डेली क्वेश्चंस अपलोड करते हैं तो आप लोग जाके हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ हमें व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कीजिए क्योंकि अगर आपको कोई भी इशू होता है आप व्हाट्सअप में हमें मैसेज करते हैं तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि क्या दिक्कत है क्या सोल्यूशन है मैं सब कुछ आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा क्योंकि बहुत जगह पे लोगों को मिसगाइड किया जाता है मैं नाम नहीं लूँगा मेरे को दिखाई देता है तो मैं यही बोलूँगा अगर आपको रियल प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इफ द पी टर्म ऑफ एन एपी इज़ क्यू एंड द क्यूए टर्म ऑफ सेम एपी सो फाइंड पी प्लस क्यू टर्म ऑफ इज़ क्या बोल रहा है इफ द पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू क्या बोल रहा है अगर पीएट टर्म मतलब टीपी क्या बोल रहा है tp क्या बोल रहा है q ठीक है एंड द qth टर्म मतलब tq एंड द qth टर्म ऑफ द सेम ap is p क्या बोल रहा है tq क्या बोल रहा है p एंड tp क्या बोल रहा है q सो फाइंड qth टर्म ऑफ ap सॉरी तो फाइंड p qth टर्म ऑफ ap मतलब tp q कितना होगा ये हमें निकालने बोला है मतलब कितना कौन सा टर्म पी प्लस क्यूएट टर्म हमें निकालने बोला है ठीक है हमें क्या पता है टी पी का टर्म पता है मतलब पी एच टर्म पता है क्या है क्यू एंड क्यूएट टर्म पता है पी ये हमें पता है हमें क्या पता है पी एच टर्म पता है क्यू एंड क्यूएट टर्म पता है पी तो हमें क्या निकालने बोला है पी प्लस क्यू एथ टर्म ठीक है समझ में आ गया तो हम लोग ये शाम्स को दो तरीके से सीखेंगे एक है ट्रेडिशनल वे में एक है शॉर्टकट में तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे देख लेते हैं ठीक है तो टीपी हमें पता है क्या है क्यू तो टीपी फॉर्मूला क्या है टर्म का टी एन टू तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये हमें पता है तो टीपी क्या होगा ए प्लस क्यू सॉरी ए प्लस क्या है ये टीपी है ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू है क्यू ठीक है समझ में आ गया इतना तक इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन वन एंड सेम फॉर टी क्यू टी क्यू इज टू क्या है पी मतलब क्या है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्या होता है पी तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन टू अब नेक्स्ट क्या करेंगे हमें क्या निकालना है टी पी प्लस क्यू टर्म तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा टी पी प्लस क्यू क्या होगा ए प्लस एन क्या है हमारा पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी समझ में आ गया ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी तो ये हो गया ये हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग निकल सकते हैं इक्वेट करके तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें ए एंड डी का वैल्यू निकल जाए ठीक है हमें ये कोशिश रखना है कि हमारा ए एंड डी का वैल्यू निकल जाए सिंपल है कुछ नहीं है इक्वेशन वन एंड टू को इक्वेट कर रहे हैं इक्वेशन वन एंड टू को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो करते हैं ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू एंड ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी ये क्या है वन ये क्या है टू सिंपल अब इसको इक्वेट करते प्लस प्लस माइनस ए कैंसिल आउट ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया ठीक है इतना इतना समझ में आ गया तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी हमारा आ गया कॉमन ठीक है तो क्या आ गया पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन अब इसको सॉल्व करके देखिए ये आएगा ठीक है दोनों में डी कॉमन आ गया अब इसको सिंपल इक्वेट करें पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस ब्रैकेट क्यू माइनस वन तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आ जाएगा प्लस ठीक है इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ठीक है तो माइनस वन प्लस वन गेट्स कैंसिल आउट ठीक है तो इसको मैं इधर लेता हूं तो d इज इक्वल टू क्या है p माइनस क्यू इक्वल टू क्या है q माइनस पी तो मैं क्या करता हूँ माइनस ऑफ माइनस p माइनस क्यू लिख रहा हूँ समझ में आया q माइनस पी था तो मैं माइनस को बाहर रख दिया ठीक है तो क्या आ जाएगा p प्लस आ जाएगा q माइनस आ जाएगा क्योंकि मैं माइनस को ब्रैकेट के बाहर कर दिया ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आया फॉर एग्ज़ाम्पल बी माइनस ए है तो मैं अगर ट्रांसफ़र करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी ठीक है तो मैं माइनस को बाहर निकल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी ठीक है अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी समझ में आ जाए आ गया ये वाला कंडीशन कैसे हो रहा है समझ में आ गया तो हम लोग ये वाले कंडीशन को अप्लाई किए हैं तो मैं पूछ देता हूँ एक बार आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो सिंपल तो d इज टू क्या हो गया d इज टू हो गया माइनस ऑफ माइनस p बाई क्यू बाई पी माइनस क्यू दोनों माइनस ऑफ माइनस p माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया ठीक है तो तो d का वैल्यू हमारा क्या आया तो हमारा d का वैल्यू आया माइनस वन ठीक है हमें d का वैल्यू मिल गया माइनस वन समझ में आ गया अब इक्वेशन वन में हम लोग डी को बिठाते हैं फॉर्म वन फॉर्म इक्वेशन वन में हम लोग डी का वैल्यू बैठाते हैं तो इक्वेशन वन हमें पता है क्या है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू ठीक है तो ए प्लस पी माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू ठीक है समझ में आ रहा है तो ए प्लस क्या आ जाएगा प्लस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन क्योंकि मैं इक्वल टू के ऑपोजिट ले रहा हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया ठीक है अब क्या करेंगे अब हमें ए का वैल्यू निकल गया अब हमें ए का वैल्यू निकल गया और डी का वैल्यू निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है टी पी प्लस क्यूएड टर्म ठीक है टी पी प्लस क्यूएड टर्म तो ये क्या होता है हमें पता है ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इतना हमें पता है ठीक है तो सिंपल है ए का वैल्यू बिठा दो डी का वैल्यू बिठा दो ए का वैल्यू क्या है हमारा पी प्लस क्यू माइनस वन ठीक है प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी डी का वैल्यू क्या है माइनस वन समझ में आ गया तो अब हम लोग इसको इक्वेट करते क्या है पी प्लस क्यू माइनस वन अब क्या होगा माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ मतलब माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन मतलब पी पी कैंसिल आउट प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट तो हमारा आंसर आएगा क्या जीरो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी प्ली पी प्लस वन सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टीपी प्लस वन इज इक्वल टू हो गया हमारा जीरो आंसर ठीक है हमारा आंसर क्या हो गया जीरो समझ में आ गया हम लोग क्या किया रिपीट कर देता हूँ ये ट्रेडिशनल वे है बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है जो शॉर्टकट जो शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा वही आपको करना है ठीक है क्या बोला था पी एड टर्म ओवेपी पी एड टर्म मतलब क्या होता है टीपी क्या बोला था क्यू एन क्यूएट टर्म मतलब टी क्यू टू क्या बोला था पी सो फाइन पी प्लस क्यूएट टर्म मतलब पी प्लस क्यूएट टर्म क्या होता है TP प्लस क्यू समझ में आ गया अब TP मतलब क्या होता है टी एन अगर होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो TP क्या हो क्या होगा ए प्लस पी माइनस वन इन टू डी टू हो गया क्यू इक्वेशन ऑन मान लिए, सेम टी क्यू को क्या है ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी हो गया पी अब दोनों को इक्वेट किए तो हमें डी का वैल्यू मिल गया क्या है डी का वैल्यू मिला माइनस वन सिंपल इक्वेट किया और कुछ नहीं किए दूसरे टाइम में इक्वेशन वन में जो इक्वेशन है ठीक है है जो इक्वेशन इसमें हम लोग डी का वैल्यू पुट किए तो हमें ए का वैल्यू मिला क्या एज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन तो सिंपल तो फाइनली हमें क्या निकालने बोला था व्हाट विल बी दी प्लस क्यूएट टर्म तो पी प्लस क्यूएट टर्म ये है तो ए का वैल्यू बिठा दिया डी का वैल्यू बिठा दिया तो हमें आंसर क्या आया जीरो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चलिए देख लेते हैं शॉर्टकट क्या है तो चलिए शॉर्टकट देख लेते हैं जो पहला वाला मेथड था उस पर अगर आप लोग करने बैठेंगे तो आपका सारा दिन निकल जाएगा एग्जाम में आपको क्या करना है जितना फास्ट हो सके उतना करना है ठीक थी, है तो आप लोग इधर हीट एंड ट्रायल को यूज करेंगे तो कैसे करना है मैं फिर से सिखा देता हूँ ठीक है तो क्या बोला इफ़ पी एट टर्म ऑफ एंड ए पी एस क्यू मतलब क्या T P is equal to बोला है टी पी इज इकल टू बोला है क्यू ठीक है एंड द क्यू एट टर्म ऑफ ए पी एस पी मतलब टी क्यू को बोला है क्या पी सो फाइंड क्या बोला है टी पी प्लस क्यू को आपको फाइंड करना है ठीक है तो हमेशा याद रखना जो पहला वाला टर्म है जो पहला वाला टर्म है उसको मानना है वन और दूसरे वाला जो टर्म है उसको मानना है टू जनरली क्या है जो पहला वाला टर्म है जैसे पी पी को मैं मान लेता हूँ वन एंड सेकेंड है Q, जो पहला वाला टर्म है उसको जनरली मानना है वन एंड जो दूसरा वाला जो बोला है Q, Q एड टर्म उसको मानना है टू तो मैं मान लेता हूँ कि ले, लेट P इज इक्वल टू वन की इजल टू टू ठीक है तो T वन क्योंकि पी का जगह क्या है वन है T वन ठीक है देखिए देखिए ये क्या है इसको मैं लिख रहा हूँ ठीक है इसको मैं लिख रहा हूँ तो P का वैल्यू क्या लिखा वन तो T1 वन इज इक्वल टू क्या होगा Q Q का वैल्यू क्या है टू ठीक है दूसरा और T1 हमारा क्या हो गया T1 मतलब फर्स्ट टर्म वन क्या होता है फर्स्ट टर्म T1 हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ठीक है समझ में आ गया अब नेक्स्ट ये वाला लिखते हैं ठीक है तो T Q Q का वैल्यू क्या लिखा हम लोग टू इज इक्वल क्या है p p मतलब वन ठीक है तो टी मतलब टर्म टू

कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म क्या है वन माइनस फर्स्ट टर्म है टू तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है माइनस वन ठीक है इतना तक हमें मिल गया अब क्या बोले टी पी प्लस क्यू हमें निकालना है ठीक है तो टी पी प्लस क्यू ठीक है तो टी पी का वैल्यू क्या है वन क्यू का वैल्यू क्या है टू तो हो गया क्या टी थ्री तो टर्म थ्री तो टी थ्री मतलब क्या होता है ए प्लस एन के जगह पे क्या है थ्री थ्री माइनस वन इंटू डी ठीक है ए का वैल्यू कितना मिला हमें टू प्लस थ्री माइनस वन क्या होता है टू इन टू डी डी का वैल्यू कितना निकला माइनस वन क्योंकि हमें क्या पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ठीक है वन मतलब माइनस वन तो टू माइनस टू क्यू माइनस वन इंटू टू क्या होता है माइनस टू माइनस वन इंटू टू क्या होता है माइनस टू तो माइनस टू टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो मतलब टू माइनस टू क्या होता है टीपी प्लस वैल्यू क्या निकल गया जीरो पंद्रह सेकेंड भी नहीं लगेगा पकड़ेंगे हो जाएगा। वाला समझ में आ गया होगा तो इस एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग कुछ और सम्स कर लेते हैं ठीक है तो चलिए तो चलिए देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है ठीक है इफ़ एमए टर्म ऑफ एंड एपी इज एन स्क्वायर ठीक है क्या बोला है एपी एपी मतलब क्या है आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ठीक है तो क्या बोला एम एड टर्म मतलब टीएम टर्म ऑफ एंड एपी क्या बोला है एन स्क्वायर ठीक है एंड एन एड टर्म ऑफ एंड एपी इज एम स्क्वायर तो टी एन एन एट टर्म मतलब टीएन इज इक्वल टू क्या बोला एम स्क्वायर ठीक है देन द एम प्लस एनेट टर्म इज देन क्या पूछा है एम प्लस एनेट टर्म क्या होगा ठीक है तो आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी एंड ई तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा तो ऐसे सम्स को आपको कैसे करना है मैं बोला अब से हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे जो पहला वाला जो बोला गया है जो एम बोला है उसको हम लोग क्या मानेंगे मैं क्या मानने बोला आपको वन तो एम का वैल्यू मैं मान लिया वन एंड एन का वैल्यू मान लिया मैं टू ठीक है तो टी एम वन सॉरी टी मतलब एम टी एम मतलब क्या है एम का वैल्यू है मतलब क्या होता है टर्म टर्म मतलब ठीक है मतलब फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है टर्म वन टर्म ऑन मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ए तो ये हमारा है ए तो इजीगल टू क्या है एन स्क्वायर ठीक है एन स्क्वायर है एन का वैल्यू क्या है टू मतलब टू स्क्वायर

कॉमन so डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड टर्म टर्म माइनस फर्स्ट ठीक है तो व्हाट विल बी आवर कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं से तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म में फोर तो वन माइनस फोर क्या होता है माइनस थ्री तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो सिंपल है तो हम लोग इसको निकल सकते हैं अभी तो चलो टी एम प्लस एन मतलब क्या होता है टी एम का वैल्यू क्या है वन एन का वैल्यू क्या है टू तो वन प्लस सॉरी वन प्लस टू ठीक है तो क्या हो गया टी थ्री तो टी थ्री मतलब क्या है ए प्लस थ्री माइनस वन इन टू डी क्योंकि एन तो थ्री है ना तो ए ए का वैल्यू क्या है हमारा ए का वैल्यू है हमारा फोर फोर है ना ए का वैल्यू ठीक है फोर प्लस थ्री माइनस वन क्या होता है टू ठीक है डी डी मतलब क्या है माइनस थ्री ठीक है तो फोर माइनस क्या होगा टू इंटू थ्री सिक्स माइनस सिक्स क्योंकि माइनस थ्री है मतलब माइनस टू तो हमारा टी एम प्लस एन का वैल्यू कितना निकला एम टर्म का वैल्यू कितना निकला माइनस टू बट ऑप्शन में तो कहीं पे माइनस टू नहीं है तो हमें कैसे पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कैसे पता है तो सिंपल कुछ नहीं करना है ऑप्शन में एम एंड एन का वैल्यू पुट करके देखना है जिस ऑप्शन का वैल्यू माइनस टू होगा वही हमारा आंसर है फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि किसका कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा उससे शुरू करना है ये देखिए इतना सारा प्लस है है एग्जाम के टाइम में डिले होगा ठीक है? और हमें पता है माइनस टू वैल्यू है ठीक है तो और एम और हमें क्या पता है एम का वैल्यू प्लस में है देखिए कैसे आपको दिमाग लगा के ऑप्शन में वैल्यू पुट करना है देखिए हमें पता है एम का वैल्यू पॉजिटिव में है एम का वैल्यू पॉजिटिव में है और सब अगर प्लस होगा सब अगर प्लस होगा तो कभी भी माइनस टू नहीं आ सकता है सब अगर प्लस है देखिए इस ऑप्शन में क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन ठीक है और एम एन एन का वैल्यू भी पॉजिटिव में है तो अगर ये प्लस होगा ना तो कभी माइनस टू नहीं आ सकता है तो ये ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है सिमिलरली ये स्क्वायर हो रहा है मतलब माइनस टू हो ही नहीं सकता ठीक है तो ये भी ज्यादा है तो हमें इससे शुरू करना चाहिए तो इसका वैल्यू देखते हैं क्या है एक माइनस टू एम एन ठीक है तो क्या होगा माइनस टू एम एम का वैल्यू क्या है 1, into, का वैल्यू टू मतलब क्या है माइनस फोर आ रहा है तो माइनस फोर और माइनस टू क्या बराबर है नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं माइनस सेवन माइनस एम एन तो माइनस एम क्या है वन इंटू टू मतलब क्या आ रहा है माइनस टू तो हमारा सिमिलर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो माइनस टू माइनस टू तो ये हमारा सिमिलर हो रहा है ये हमारा सिमिलर हो रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या है हमारा आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर है मतलब माइनस एम एन समझ में आ गया कुछ नहीं किया सिंपल हम लोग जो ऑप्शन है इसमें वैल्यू पुट करके देखे जिसका वैल्यू माइनस टू के साथ मैच किया वही हमारा आंसर हो गया तो हमारा आंसर क्या है माइनस एम एन विल बी आवर आंसर अगर आपको ये चेक करने कर लीजिए क्या है वन बाई एम इन टू एन तो वन बाई एम इन टू एन क्या है सिंपल मतलब तो, तो, तो क्या मैच कर रहा है माइनस एम एन तो ये हमारा हो गया आंसर ठीक है आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चलिए सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए तो चलिए क्या बोल रहा है इफ़ द एम टर्म ऑफ एन ए पी इज वन बाई एन एम टर्म मतलब टी एम क्या बोल रहा है वन बाई एन एंड द एनेट टर्म ऑफ द सेम ए पी इज वन बाई एम तो एनेट टर्म क्या बोला टी एन क्या बोल रहा है वन बाई एम क्या बोला है ए पी एपी मतलब क्या है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ठीक है समझ में आ गया तो फाइंड क्या बोला है हमें एम इन टू एन टर्म मतलब टी इतना देर तक हम लोग प्लस कर रहे थे अभी बोला एम इन टू एनी क्या होगा ठीक है और हमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल है तो मैं क्या बोला हमेशा जो फास्ट है उसको फर्स्ट टर्म जो है उसको वन मानना है दूसरे को टू मानना है ठीक तो, है लेट एम इज इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू टू सिंपल तो टी वन इजल टू क्या आया वन बाई टू तो ये टर्म वन है टर्म वन मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मतलब किससे डिनोट करते हैं हम लोग ए से ए नेक्स्ट एन का वैल्यू बिठाते हैं मतलब टर्म टू मतलब सेकेंड टर्म क्या होगा वन बाई वन वन बाई वन क्योंकि एम का वैल्यू वन है तो क्या होगा वन ठीक है समझ में आ गया आपको इतना तक अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं डी मतलब कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप लोग बोलिए मेरे को क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकेंड टर्म क्या वन माइनस फर्स्ट टर्म तो वन माइनस हाफ क्या होता है हाफ हमें भी पता है हाफ होता है तो डी का वैल्यू मिल गया हमें हाफ ठीक है one by two. तो हमें टी एम इन टू एन निकालने के लिए चो चलो एन का वैल्यू है टू तो क्या आएगा टी टू टू टी टू का क्या है ए प्लस एन माइनस वन एन क्या है हमारा टू टू माइनस वन इंटू डी सिंपल तो ए का वैल्यू है क्या है हमारा हाफ प्लस माइनस -1 वन 1 होता है हाफ ठीक है तो क्या आएगा हाफ प्लस हाफ हाफ प्लस हाफ क्या होता है one by plus one by क्या होता है one. तो हमारा आंसर आया वन तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन वन है हा है तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर जो कि हमारा वन आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए देख लेते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और खुद ट्राई कीजिए उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए तो चलिए क्या बोल रहा है इफ पी टाइम्स दी ए टर्म ऑफ एन ए पी एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है इज इक्वल टू द क्यू टाइम्स द ए टर्म ऑफ एन एपी क्या बोल रहा है p टाइम्स मतलब p इन टू पी एट टर्म ऑफ एन ए पी टी पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स मतलब q इन टू क्यू टाइम्स पी टाइम्स मतलब p टाइम्स टू टाइम्स x मतलब क्या होता है टू इंटू एक्स टू टाइम्स x टू इंटू एक्स मैं आपसे दो गुना अच्छा काम कर सकता हूँ मतलब मैं आपसे टू टाइम्स ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ मतलब समझ में आ रहा है इन टू आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल x काम कर सकते हैं मैं आपसे टू टाइम्स ज्यादा काम कर सकता हूँ मतलब टू एक्स मतलब टू इन टू एक्स सिमिलरली क्या बोल रहा है P टाइम्स पी एड टर्म मतलब P इन टू टीपी समझ में आया इफ P टाइम्स पी एड टर्म मतलब P इन टू इक्वल टू क्यू टाइम्स टर्म मतलब टी क्यू ठीक है ये हमें बोल दिया गया है इफ P टाइम्स द टर्म ऑफ एन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द टर्म ऑफ एन एपी देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी दे p प्लस क्यू टर्म मतलब हमें क्या पूछा है टी पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा और हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो चलिए सिंपल है कुछ नहीं है तो हम लोग सिमिलरली कर लेते हैं तो हमें क्या पता है लेट जो पहला वाला है उसको क्या मानना है वन ठीक है और ये बोल दिया हमें कंडीशन की पी इज नॉट इक्वल टू क्यू तो हम लोग तो ऐसे भी नहीं इक्वल टू कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जो पहला वाला टर्म है उसको वन मान रहे हैं और दूसरा वाला टर्म है उसको हम लोग टू मान रहे हैं सिंपल तो Q को क्या माने? दो सिंपल अब बिठा दो वैल्यू तो P के जगह पे वन इंटू टी पी टी पी मतलब T1 वन इज इक्वल टू क्यू की जगह पे टू इंटू टी क्यू टी क्यू की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे T Q की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे टू ठीक है समझ में आ गया तो हमारा इंटेंशन क्या है T1 मतलब फर्स्ट टर्म निकलना एंड सेकेंड टर्म निकलना और हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म मिल जाता है तो A का वैल्यू मिल जाएगा टर्म मिल जाएगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तब भी तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे ना सिंपल कुछ नहीं है हम लोग टाइम एंड वर्क से करते आए हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट में भी सीखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू क्या होता है टू बाई वन तो इसका मतलब क्या होता है टी वन इज इक्वल टू टू टी टू इज इक्वल टू वन जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है प्लीज जाके अभी रेशियो का चैप्टर देखिए ठीक है।, है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए ठीक है।, है इतना हो गया तो t1 मतलब क्या है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब वन माइनस टू क्या हो गया हमारा माइनस वन समझ में आ गया तो हमें किसका वैल्यू मिल गया हमें ए का वैल्यू मिल गया एंड डी का वैल्यू मिल गया तो हम अभी आराम से निकल सकते हैं तो टी पी प्लस क्यू

तो टू माइनस टू क्या होता है जीरो सो व्हाट विल बी आवर आंसर जीरो और ऑप्शन में जीरो है, हाँ है. तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन बी इज आवर आंसर आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह हो गया हमारा आंसर ठीक है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है तो ठीक है तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ऐसा क्वेश्चन कैट में आता है तो अच्छी तरह से समझना कोई भी काम जो है छोड़ो पूरा ध्यान बोर्ड पे दो हो सके तो स्लो करके लेक्चर को देखो रिपीट करके देखो बट ये क्वेश्चन आता है तो समझ लो ठीक है क्या बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन कैसे दिया रहा, दिया रहता है मान लो एक एपी दिया हुआ है जो है 4 7 10 13 16 19 22 अप टू 60 टर्म टर्म मतलब 60 टर्म तक है मतलब t 60 तक है और दूसरा एपी दिया हुआ है 5 10 15 20 25 30 अप टू 45th टर्म तक ठीक है तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछा जाता है हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन बोथ ए पी कितना टर्म्स दोनों ए पी में कॉमन है ठीक है कितना टर्म्स हमारे दोनों एपी में कॉमन है ऐसा क्वेश्चन कैट पे आता है तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए अच्छी तरह से देखो ठीक है तो क्या दिया रहता है दो एपी दिया जाता है बोला जाता है एक एपी है सिक्सटी टर्म तक जा रहा है मतलब टी सिक्सटी तक जा रहा है और एक एपी पी दिया बोल दिया कि फोर्टी फिफ्थ एपी तक जा रहा है फोर्टी फिफ्थ फोर फोर्टी फाइव एपी तक जा रहा है तो दोनों एपी में कितना टर्म कॉमन है कितना नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन बोथ बोध एपी दोनों एपी के बीच में कितना नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो लास्ट टर्म है जो सिक्सटी टर्म है जो क्या बोल रहा है, जा रहा है पहले एपी में क्या बोल रहा है अप टू सिक्सटी टर्म जा रहे हैं मतलब टी सिक्सटी क्या है हमारा लास्ट टर्म तो उसका लास्ट टर्म क्या है हमारा सबसे पहला अप्रोच है दोनों का लास्ट टर्म निकालना तो टी सिक्सटी का लास्ट टर्म क्या है तो ए क्या है इधर फोर ए पी बोला गया है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब सेवन माइनस फोर मतलब थ्री ठीक है तो टी सिक्सटी क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्सटी माइनस वन इंटू डी ठीक है तो आपका ए क्या है फोर प्लस फिफ्टी नाइन इन टू थ्री डी का वैल्यू है थ्री तो आपका वैल्यू आ जाएगा वन एट्टी वन दो लास्ट टर्म किसका लास्ट टर्म है ये ये किसका लास्ट टर्म है पहले वाले एपी का एपी वन का लास्ट टर्म क्या है वन एट्टी वन ठीक है अब एपी टू का देखते हैं ठीक है ए पी टू का देखते हैं ठीक है क्योंकि पहले हम लोग का काम क्या है लास्ट टर्म निकालना कि कितना दूर तक जा रहा है तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमें इतना तक दिखाई दे रहा है देखिए इतना तक दिखाई दे रहा है बट हमें तो जानना चाहिए ना कितना दूर तक जा रहा है लास्ट टर्म क्या है क्योंकि हमें तो पूरा एपी में से कॉमन डिफरेंस कितना टर्म कॉमन है ये निकालने बोला कॉमन डिफरेंस नहीं हमें क्या बोला है हाउ मेनी टर्म्स सब कॉमन इन मोदा एपी दो एपी में कितना टर्म कॉमन है जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए टेन है इधर देखिए टेन है ठीक है ऐसे जा रहा है ठीक है तो इधर हम लोगों को एक टर्म कॉमन मिल गया समझ में आ गया इधर हम लोगों को एक टर्म कॉमन मिल गया ऐसे जो इंटर एपी है जो इंटर जो एपी जा रहा है जो दो एपी जा रहा है इसमें से कितना टर्म कॉमन है ये हमें निकालना है इस इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि दोनों एपी का लास्ट टर्म क्या है कितना दूर तक जा रहा है ठीक है तो पहला अप्रोच है हमारा कितना दूर तक जा रहा है निकालना ठीक है तो ए पी टू मतलब क्या है टी फोर्टी फाइव तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए है फाइव एंड डी क्या है टेन माइनस वन टेन माइनस वन है टेन माइनस फाइव ठीक है टेन माइनस फर्स्ट टर्म मतलब फाइव ठीक है तो ए प्लस फोर्टी फाइव माइनस वन इंटू डी आप लोग डायरेक्ट फोर्टी फोर डी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मैं करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप तो ए का वैल्यू है फाइव तो फोर्टी फोर इंटू डी हो गया फाइव फोर्टी फोर इंटू डी मतलब फाइव मतलब डी का वैल्यू फाइव तो फाइव लिखा फोर्टी फोर इंटू फाइव तो आपका आंसर आएगा टू ट्वेंटी फाइव तो ये हो गया आपका सेकेंड एपी का लास्ट टर्न समझ में आ गया इतना तक समझ में आ गया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको कुछ भी घुमा कर दे सकते हैं कुछ भी इधर सिक्सटी टर्म दिया है तो उधर सेवेंटी टर्म भी दे सकता है ठीक है बट आपको अप्रोच याद रखना जरूरी है तो ये आपको समझ में आ गया ठीक है अब आपका सोचने का बात है कि आप कितना दूर तक देखेंगे कि कॉमन जो देखेंगे ना दोनों के बीच में जो दो एपी जा रहा है ठीक है हमें क्या बोले कितना टर्म दोनों के बीच में कॉमन है कितना टर्म दोनों के बीच में कॉमन है ये निकालना है तो आप लोग कितना दूर तक देखेंगे एक का लास्ट टर्म है वन एट्टी वन एक का लास्ट टर्म है टू ट्वेंटी फाइव तो आपको कितना दूर तक देखना है आप बोलिए वन एट्टी वन तक देखना है क्योंकि वन एट्टी वन तक ही तो दोनों के बीच में कॉमन आएगा ना क्योंकि ये जो है फर्स्ट ए पी का जो लास्ट टर्म है वो वन एट्टी वन है ठीक है तो आपको वन एट्टी वन तक देखना है कि अग... समझ में आ रहा है क्यों एटी वन तक देखना है क्योंकि वो खत्म हो रहा है टू ट्वेंटी फाइव में तो इतना तो दोनों के बीच में कॉमन रहेगा ना बाकी जो गया तो गया दोनों के बीच में तो कॉमन नहीं है ना समझ में आ रहा है ना जो पहले दो एपी है एक का लास्ट इन एट्टी वन एक का है टू ट्वेंटी फाइव तो दोनों के बीच में कॉमन कहां तक मिलेगा वन एट्टी वन तक मिलेगा दोनों के बीच में क्योंकि एपी वन तो इधर ही खत्म हो रहा है बाकी तो एपी टू चल रहा है बट कॉमन तो इतना तक ही मिलेगा ना तो हमें कितना दूर तक देखना है वन एट्टी वन तक देखना है समझ में आ गया वन एट्टी वन तक देखना है समझ में आ गया क्योंकि दू, जो दूसरा वाला एपी है वो तो जा रहा है टू ट्वेंटी फाइव तक हमसे कोई मतलब नहीं है तो हमें चेक कितना करना है 181 तक करना है। समझ में आ गया ठीक है तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में इतना तक आप लोग कर लेना। अब आते क्वेश्चन में कि हमें देखना है कि कितना टर्म कॉमन है तो फॉर एग्जाम्पल अब सोचिए रस्ते में खड़े हैं आप दो ट्रैफिक लाइट है दो ट्रैफिक लाइट है एक तीन मिनट के बाद जल रहा है एक पांच मिनट के बाद चल रहा है तो मैं आपको पूछता हूं दो ट्रैफिक लाइट एक साथ कौन सा टाइम में जलेगा क्या होगा सोचिए आप रास्ते में खड़े इस साइड में एक ट्रैफिक लाइट है इस साइड में एक ट्रैफिक लाइट है एक जल रहा है तीन मिनट में एक जल रहा है पांच मिनट में तो दो ट्रैफिक लाइट एक साथ कब चलेगा कब जलेगा सिंपल दोनों का एलसीएम कर लीजिए थ्री और फाइव का एलसीएम करेंगे तो आएगा क्या फिफ्टीन तो दो ट्रैफिक लाइट एक साथ पंद्रह मिनट में जलेगा समझ में आ गया समझ में आ गया सिंपल है कुछ नहीं है दो ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेगा पंद्रह मिनट में जलेगा समझ में आया नहीं आया बोलिए समझ में आया ना एक ट्रैफिक लाइट तीन मिनट में जल रहा है एक ट्रैफिक लाइट पांच मिनट में जल है। दोनों एक साथ कब जलेगा पंद्रह मिनट में जलेगा तो दूसरी बार तो दूसरी बार दो ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेगा फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी मिनट में जलेगा तीसरी बार कब ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेगा थर्टी प्लस फिफ्टीन फोर्टी फाइव मिनट पे जलेगा समझ में आ गया ये समझ में आ गया तो इसका सम हो गया ठीक है तो चलिए सिंपल है तो इन दोनों के इसका एपी वन का कॉमन डिफरेंस क्या है एपी वन का कॉमन डिफरेंस है थ्री और एपी टू का कॉमन डिफरेंस क्या है एपी टू का कॉमन डिफरेंस है फाइव ठीक है तो ए, एक एक कॉमन टर्म तो हमें मिल गया एक टर्म तो हमें मिल गया क्या है और देखिए ट्वेंटी फाइव और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है तीन तो ट्वेंटी टू प्लस थ्री क्या हो रहा है ट्वेंटी फाइव ठीक है ट्वेंटी टू प्लस थ्री क्या हो रहा है ट्वेंटी मतलब तो फिर से दिखाई दे रहा है कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में ठीक है दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है ठीक है तो एक का कॉमन डिफरेंस जो एपी वन है उसका कॉमन डिफरेंस है थ्री दूसरे का है कॉमन डिफरेंस फाइव ठीक है तो हमें फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो हमें मिल गया ठीक है जो फर्स्ट टर्म है जो पहला वाला टर्म है जो कॉमन है जो हमारे साथ मैच हो रहा है हमें क्या पूछा है कितना टर्म कॉमन है तो हमें पता है कि कितना टर्म कॉमन है हमें निकालना है तो हमें क्या पता है हम जा सकते हैं 181 तक हम जा सकते हैं 181 तक 181 से ज्यादा हम लोग जा नहीं सकते हमें देखना है 181 तक ठीक है तो हमें पहला वाला जो है वो मिल गया टेन है ठीक है अब दूसरा वाला मिल रहा है ट्वेंटी फाइव ठीक है दूसरा वाला मिल रहा है ट्वेंटी फाइव मतलब दूसरा वाला जो कॉमन टर्म है ट्वेंटी फाइव है ठीक है दूसरा वाला जो पहला वाला कॉमन टर्म है हमारा टेन दूसरा वाला कॉमन टर्म हमारा मिल रहा है ट्वेंटी फाइव ठीक है तो सिंपल है तो हमें क्या देखना है जो आपको ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल एक, एक तीन मिनट के बाद चल रहा है एक पाँच मिनट के बाद चल रहा है तो एक का कॉमन डिफरेंस है थ्री का कॉमन डिफरेंस है फाइव तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री फाइव का फिफ्टीन तो इसके साथ अगर फिफ्टीन को ऐड करते हैं तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव तो सेकेंड कॉमन जो सेकेंड कॉमन नंबर है कॉमन डिफरेंस नहीं जो सेकेंड कॉमन नंबर है हमारा जो सेकेंड कॉमन नंबर है वह ट्वेंटी फाइव सिंपल तो थर्ड वाला क्या होगा प्लस ट्वेंटी फाइव करो जो मैं बोला था फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन करोगे तो थर्टी मिनट आएगा तीसरी बार कब जलेगा थर्टी प्लस फिफ्टीन मतलब फोर्टी फाइव सिंपल तो तीसरी तीसरी बार कब कॉमन आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या आता है फोर्टी आज चौथा बार कब आएगा फोर्टी प्लस फिफ्टीन मतलब फिफ्टी फाइव ऐसे करके हमें देखना है वन एट्टी वन तक जाना है क्योंकि हमारा लास्ट नंबर क्या है वन एट्टी वन तो सिंपल प्लस फिफ, 55 फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होता है सेवेंटी सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होता है एट्टी फाइव एट्टी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होता है हंड्रेड हंड्रेड प्लस फिफ्टीन क्या होता है वन हंड्रेड फिफ्टीन वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन क्या होता है वन थर्टी वन थर्टी प्लस फिफ्टीन क्या होता है वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होता है वन सिक्सटी वन सिक्सटी प्लस फिफ्टीन क्या होता है वन सेवेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या हो जाएगा वन नाइन्टी तो वन नाइन्टी हम लोग ले सकते हैं नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों को कब तक देखना है वन एट्टी वन तक देखना है तो इतना नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा कॉमन है तो इतना नंबर नंबर ऑफ ऑफ टर्म्स टर्म्स हमारा कॉमन कॉमन है है कितना number of terms common है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो टोटल कितना टर्म्स कॉमन है ट्वेल्व टर्म्स हमारा कॉमन है तो हमारा आंसर क्या हो गया ट्वेल्व समझ में आ गया हमारा आंसर क्या आया हमारा आंसर आया ट्वेल्व टर्म्स ठीक है समझ में आ गया तो अभी मैं आपको पूरा सांस को एक बार एक्सप्लेन करके देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था दो एपी है उसमें से हमारा कितना नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है ठीक है तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा लास्ट टर्म को जानना कि हमें कितना दूर तक जाना है कितना दूर तक हमें देखना है तो दोनों का लास्ट टर्म निकल गया ठीक है तो क्या मिला कि एपी काम AP1 वन का, का लास्ट टर्म में 181 और AP2 टू का लास्ट टर्म में 225 तो हमें कितना दूर तक देखना है 181 तक देखना है क्योंकि 181 के बाद में जितना नंबर है वो तो हमें कोई मतलब नहीं है ना क्योंकि उसके बाद तो ओनली AP2 टू जा रहा है AP1 वन तो जा नहीं पाएगा ना क्योंकि AP1 वन कहाँ बंद हो रहा है 181 में तो जो कॉमन टर्म मिलेगा हमें वो कहाँ पे मिलेगा दोनों के बीच में एपी1 जो 181 तक है एपी1 कहाँ तक जा रहा है 181 तक है तो इतना तक ही तो हमें एपी1 और एपी2 के बीच में कॉमन टर्म मिलेगा ना समझ में आ गया अब हमें दूसरा चीज क्या करना है सिंपल है हमें पता है कि दोनों के बीच में गैप कितना है पता है एक का कॉमन डिफरेंस है 3 दूसरे का है 5 तो इस जगह पे आप क्या सोचेंगे ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल कि एक आपके पास दो ट्रैफिक लाइट है एक 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 इस इस साइड साइड में, एक तीन में, में में मिनट मिनट जल जल रहा है, एक में जल रहा है, है, तो दोनों कितना मिनट में एक साथ जलेगा? दोनों का क्या तो दूसरी बार कब दोनों एक साथ जलेगा तो तीसरी बार कब दोनों एक साथ जलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सिमिलरली इधर हम लोग क्या देखेंगे दोनों के बीच में सबसे पहले कॉमन कहाँ पे आ रहा है टेन पे आ रहा है हमें मिल गया तो पहला वाला टर्म हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग ऐसे ढूंढते चले जाएंगे हमारा दिन लग जाएगा तो सिंपल है एक का कॉमन डिफरेंस है पहला वाला आप, आपका काम क्या होगा पहला वाला टर्म आप ढूंढ के लिख लेना है आपको पहला वाला जो टर्म है उसको ढूंढ के आपको लिख लेना है तो हम लोग लिख दिए अब क्या करेंगे एक का कॉमन डिफरेंस है थ्री दूसरे का है फाइव सो सिंपल ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल दोनों का एलसीएम करेंगे उसके बाद सेकंड का हम लोग प्लस क्या निकला सेकेंड का थ्री फाइव का एलसीएम है फिफ्टीन तो प्लस फिफ्टीन के तो ट्वेंटी फाइव तो मैं आपको आगे करके दिखा दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा था थ्री पे तो ट्वेंटी टू प्लस थ्री क्या होता है ट्वेंटी फाइव तो देखिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कॉमन सिंपल तो उसके बाद क्या करना है ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन फोटी फोर्टी प्लस फिफ्टीन फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टीन सेवेंटी ऐसे सो ऑन करते जाने कब तक जब तक वन एटी वन के आसपास नहीं आता है ठीक है जब वन एटी वन से बड़ा हो जाएगा उसी वक्त हमें स्टॉप करना है क्योंकि हम लोग 181 से ज्यादा नहीं ले सकते ठीक है हम लोग कहां तक ले सकते हैं अपन एट्टी वन और वन एट्टी वन से लेस हम लोग क्या ले सकते हैं लेस देन इक्वल टू वन एटी वन तक हम लोग ले सकते हैं समझ में आ गया तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो हो गया ट्वेल्व टर्म तो सबसे पहले आपका काम क्या है दोनों के बीच में जो पहला कॉमन टर्म है उसको लिखना है फिर आपको एल लेना है और प्लास करते रहना अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डाउट है तो घर में बैठिए और सम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए वो सबसे बेस्ट तरीका है आपको सीखना क्वान तो आप एक काम कीजिए इधर प्लास थ्री करते करते वन एट्टी वन तक जाइए इधर प्लास फाइव करते करते वन एट्टी वन एट्टी वन तक जाइए आप देखिए जितना भी टर्म्स आपका कॉमन ऐसे आया है वो वो ही टैर्न आपका कॉमन आएगा ठीक है आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं थोड़ा अपने दिमाग को लगाइए इससे आपका आई लेवल भी बहुत हाई होगा ठीक है और आपको अलग अलग नए नए तरीके मिल जाएगा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये साम्स के साथ खेलते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ भी घुमा के दे सकता है अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है उसका मेथड यही है ठीक है ये दिमाग में आपको छप जाना चाहिए इतना बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसको ठीक है तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट करके बोलिए आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको कौन से चैप्टर के ऊपर नया लेक्चर चाहिए क्योंकि अभी एपी जी पी आपका चलता रहेगा अभी तो एपी चल रहा है उसके बाद जीपी आएगा उसके बाद मिसलेनियस आएगा सब कुछ आएगा क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे